ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। माँ बाप बनना दुनिया का बहुत बड़ा सुख होता है, लेकिन कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं, कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट जो चीज़ें होती हैं, कुछ सरकमस्टांसेस उनके साथ ऐसी हो जाती है जिसके वजह से उनको कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आती है या फिर नहीं कंसीव कर पाते हैं। तो मैंने एक वीडियो पिछली बार बनाई हुई थी जो कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर थी। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स थे जो कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी की मैंने बात की थी कि क्या क्या से रीज़न्स हो सकते हैं स्पेशली फ़ीमेल्स में जिसके वजह से कंसीव नहीं होता है। लेकिन सिर्फ फ़ीमेल ही नहीं, मेल भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि मेल में भी कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाते हैं, कुछ ऐसे इनफर्टिलिटी के रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से भी बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है। तो अगर वो वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट जो रीज़न बताया जाता है वो होता है कि ट्यूब्स का ब्लॉकेज। अब आप ये पूछिएगा ये ट्यूब्स होती क्या है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होती है आपकी दो ओवरीज, दो फैलोपियन ट्यूब्स और यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना। ये जो पूरा पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रीब्यूट करता है। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन अगर सही से काम नहीं करता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चा कंसीव होने में दिक्कत आती है। सेम उसी तरह से अगर ट्यूब्स में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज अगर हो जाए, मतलब ब्लॉकेज यानी कि कहीं से रुकावट है, जैसे कि आपकी जो दो ओवरीज है, तो जब आपका एग मैच्योर होता है, एग मैच्योर होता है जो कि ओवरी से रिलीज़ होता है और वो फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। फैलोपियन ट्यूब में ही उसका फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद जो फीमेल है, जो दंपति हैं, उनके घर में नया मेहमान आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ट्यूब्स में ही ब्लॉकेज रहेगी तो वो एग कहाँ से पनप के जाएगा? एग तो रिलीज़ होता है लेकिन फैलोपियन ट्यूब तक आता ही नहीं है। तो बहुत सारे जो मेन जो रीज़न्स जो बताए जाते हैं उनमें 40-50% सिर्फ ट्यूब के ब्लॉकेज के वजह से जो माँ बाप बनने में उनको देरी होती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्यूब्स की ब्लॉकेज को कैसे पहचानेंगे। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम ट्यूब्स की ब्लॉकेज का पता लगाते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है वो होता है HSG, यानी कि हिस्टेरोसेल पिंगोग्राम, एक तरह की जो आप टेक्निक कह सकते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि आपके ट्यूब्स में ब्लॉकेज है या नहीं है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है वो मैं आज बताने की कोशिश करूँगी आपको। तो अगर किसी जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अगर डॉक्टर्स ये चीज़ें लिख देती हैं कि आपका HSG होगा, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली ये चीज़ होती क्या है, ये चीज़, मतलब बहुत लोग घबराने लगते हैं, नहीं पता चलता है उनको क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है उसको एक शॉर्टकट, एक नटसिल में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक आधे घंटे से पौन घंटे तक का एक प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले जब आपको डॉक्टर्स कब बुलाते हैं, जब आपका पीरियड ओवर हो जाता है, तब जब आपका पीरियड आके ख़त्म हो जाए उसके आपको नेक्स्ट दिन के बाद आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स की जाती है। और जब आपका ये टाइम होता है तो जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं ये पूरी चीज़ें, सबसे पहले आपको मतलब हाफ एन आवर पहले या 15 मिनट पहले आपको एक पेन किलर की इंजेक्शन लगाई जाती है, जो कि एक बहुत माइल्ड सी इंजेक्शन होती है। जितना इंजेक्शन का पेन होता है वही होता है जो कि आपको कमर के हिस्से में दिया जाता है, ताकि उस एरिया में किसी तरह का आपको कोई परेशानी नहीं हो, थोड़ा सुन टाइप का हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके वजाइना के थ्रू एक डाई को पास किया जाता है। डाई यानी कि कलर जैसा, एक इंक जैसा एक डाई होता है जिसको एक्सरे प्लेट पर पूरा मॉनिटर किया जाता है कि वो कहाँ तक जा रहा है। जैसे कि अगर उसको वेजाइना के थ्रू पास किया जाएगा तो यूटेरस के कैविटी तक होते उसकी, देखिए जब जैसे जैसे वो पास करता है उसको एक्सरे प्लेट पे वो सारे पिक्चर्स लेते रहते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, तो इससे पता चलता है कि यूटेरस की जो मेम्ब्रेन है, कैविटी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। मतलब HSG में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उसी का पता चलता है, ट्यूब्स की ब्लॉकेज का, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स भी चेक होते हैं जो कि आपके पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक तरह का मुआयना होता है। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको करते हैं, फिर वो डाई जो है वो अगर पास हो जाती है आपकी ट्यूब से, वो खुल के निकल जाती है बाहर की तरफ, पास हो जाती है, इसका मतलब कि आपके ट्यूब्स में किसी तरह की कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, आपका ट्यूब्स अच्छा है। लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो, अगर मान लीजिए कि ट्यूब्स में ब्लॉकेज आती है और वो डाई वहाँ से पास नहीं होता है,
तो ये समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर ब्लॉकेज है, इसलिए डाई पास नहीं हो पाया। तो वो जो पिक्चर जो आती है, जो एक्सरे की पिक्चर आती है, उसमें क्लियरली ये पता चलता है कि यहाँ से डाई नहीं पास हुआ है, तो डॉक्टर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ट्यूब्स की ब्लॉकेज है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी को ऐसा रिपोर्ट भी आ जाता है, तो ये बहुत गंदा रिपोर्ट नहीं है। आपकी मान लीजिए कि अगर ट्यूब्स में ब्लॉकेज आती है, एक ट्यूब में ब्लॉकेज आती है, तो तब भी आप कंसीव कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपकी दूसरी ट्यूब्स है ओपन है। तो कभी नहीं कहा जा सकता है कि आपकी लेफ़्ट ओवरी से कब एग रिलीज़ होगा और कब राइट ओवरी से होगा। मान लीजिए कि आपका राइट जो राइट ट्यूब है वो ब्लॉकेज है और लेफ़्ट वाला ओपन है, तो मान लीजिए कि किसी मंथ में आपको लेफ़्ट साइड से आपका ओवुलेशन हो गया, एग रिलीज़ हो गया और आप फर्टिलाइज भी हो गया सही टाइम पे, तो डेफिनेटली आप माँ बन सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिनमें कभी कभी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक निकलती हैं, वो क्या करें? तो एक छोटी सी सर्जरी होती है जिससे डॉक्टर बहुत आसानी से ट्यूब्स को खोल देते हैं, तो वो भी एक तरीका है, आप बहुत आराम से कंसीव कर सकती हैं। तो जो दंपति हैं जिनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, वो प्लीज़ हताश निराश ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे तकनीक साइंस में बहुत विकसित हो गए हैं, ताकि आपको कभी भी कुछ भी ऐसा, देखिए समय लगेगा, आप परेशान हो सकते हैं थोड़ा, लेकिन इस समय परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। और कहा जाता है ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है, तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप मन ही मन में ये मान लीजिएगा कि अब बच्चा नहीं हो सकता है, तो शायद नहीं होता है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स भी हमें वही चीज़ देता है जो हम अंदर से डिज़ायर करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी इच्छा शक्ति को आप बरकरार रखिए कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ को सोचते हैं। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, तो अपने मन को बहुत मजबूत रखिए। ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो या कुछ भी हो, कोई भी ऐसा रीज़न है, लेकिन अगर भगवान की इच्छा कर जाएगी ना, तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपके घर में संतान आएगा। बेटी के ताने वाने का आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए कि आप किस तरह से हेल्दी रह सकती हैं, किस तरह से खुश रह सकती हैं, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो डेफिनेटली देखिएगा कि आप पॉजिटिव सोच आपकी और आपका जो मन है अगर मजबूत है, तो डेफिनेटली आप ज़रूर माँ बन पाएंगी। इसलिए होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और उन ज़रूरतमंद दंपतियों के साथ भी शेयर करिएगा जिनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी लगती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता है, लोग डर जाते हैं HSG होता क्या है। HSG बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और डेफिनेटली इसके बाद भी अगर डॉक्टर्स आपको जैसे ऐसे सजेस्ट करते हैं, वैसे वैसे चीज़ें करिए और पॉजिटिव रहिए और ज़रूर आप माँ बन जाएंगी। और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।